और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव CWCTC के कार्यकारिणी सदस्य और वरिष्ठ नेता खाटी कांग्रेसी हरीश रावत जी हैं। हरीश रावत जी से संडे पोस्ट बात कर रहा है। तो सर, पहला सवाल, क्या राफेल खरीद को मुख्य मुद्दा बनाने जा रही है कांग्रेस? देखिए, ये मुद्दा है, कांग्रेस नहीं बना रही, मुद्दा है। मुद्दा उस समय बन गया, हर रक्षा सामग्री को खरीदने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसकी एक नेगोशिएटिंग टीम बनती है और उस टीम की आधार पर जो है नेगोशिएशन फाइनल होता है, रक्षा मंत्री और फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी उसको क्लियर करती है, तब प्रधानमंत्री की बात और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही सी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बैठती। इसमें नेगोशिएटिंग टीम बात कर रही थी, फाइनल स्टेज पे था, केवल ये तय होना बाकी था कि नई सरकार आई है तो उसे उस समय जो है उनको फ्रांस को जो है कि भाई कितने दिन में आप डिलीवरी करोगे, जो हमको वो डिलीवरी 2018 में होनी थी ओरिजिनल आधार पे, पहली डिलीवरी पहले स्क्वाड्रन की। प्रधानमंत्री ने फ्रांस की यात्रा पे जाते हैं और सारा नेगोशिएशन जो है नेगोशिएटिंग टीम के बजाय जो है प्रधानमंत्री कार्यालय करने लगता है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आदि सब हैं, वो लोग करने लगते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि आप 126 जहाज़ों के बजाय केवल 36 जहाज का सौदा करते हैं, नंबर वन। दूसरा, जितने पर यूपीए के समय में जहाज़ खरीदा जा रहा था उससे लगभग तिगुने दाम पर आप खरीदते हैं, बल्कि कतार और मिस्र ने अभी अभी वो जहाज़ खरीदे हैं, उन्हें जितने दाम पर खरीदे हैं उसे आप दुगने में उसको खरीदते हैं। तीसरा निर्णय ये होता है कि जो HAL कांग्रेस के समय में पार्टनर था पब्लिक अंडरटेकिंग, जिसको जहाज़ बनाने का अनुभव था, मिराज, सुकोई, सब जहाज़ बनाने का, उसकी जगह पर जो है अनिल अंबानी आ जाते हैं जिन्हें कभी कागज़ का जहाज़ भी नहीं बनाया। और चौथा निर्णय ये होता है कि आप टेक्नोलॉजी, भारत ने कोई रक्षा सौदा किया हो तो हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मांगते हैं ताकि हमारे वहाँ भी फिर हम उसी तरीके के चीज़ें बना सकें, उस टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में आ जाए। तो टेक्नोलॉजी का जो हिस्सा था मोदी जी ने कह दिया, नहीं नहीं हमको टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, 36 ले लो, दाम जो चाहो ले लो, मगर अनिल अंबानी को ले आओ। और सॉवरिन गारंटी का क्लॉज भी ख़त्म कर दिया, सीक्रेसी के क्लॉज में, जिसमें जिसके तहत केवल टेक्नोलॉजी को वो नहीं किया जा सकता था शेयर, उस पर गोपनीयता थी, आपने जो है कीमतों को भी गोपनीयता में ले आए, सॉवरिन गारंटी ख़त्म, बैंक गारंटी ख़त्म। तो ये सारी डील प्रधानमंत्री जी के आने के बाद पूरी तरीके से संदेशपद हो गई है, कई सवाल खड़े हो गए हैं, भ्रष्टाचार साफ दिखाई दे रहा है। अब प्रधानमंत्री इसका समाधान ढूंढ सकते थे कि पार्लियामेंट्री स्टैंड कमेटी को सौंप देते, जॉइंट पार्लियामेंट्री JPC बना देते, इन्होंने JPC भी नहीं बनाई। सुप्रीम कोर्ट में CAG से गलत रिपोर्ट पेश करवा दी, वो CAG की रिपोर्ट हो कैसे सकती है जब तक वो PAC में नहीं आ गई और पार्लियामेंट में ले नहीं होगी, आपने उस आधार पर और एक या कह करके ये क्लॉजेज जो है कॉस्ट इत्यादि के क्लॉज सीक्रेसी हैं, झगड़ा तो कॉस्ट ही पे है सारा, कि मूल्य ज़्यादा अदा किए कि भ्रष्टाचार तो वहीं से जनरेट हो रहा है जहाँ से पैसा है। तो ये अब एक ज्वलंत मुद्दा है और समय
मोदी से न्याय लेगा। 16 तारीख को राहुल गांधी जी देहरादून में आए तो उन्होंने एक कड़े मुर्दे को उखाड़ दिया, बीसी खंडूड़ी जो रक्षा समिति से हटाया गया था। तो तब तक सांसद रहता है कोई, तब तक उसको हटा नहीं सकता, ये बकायदा प्रावधान है। रक्षा समिति से आप हटाए नहीं जा सकते, तो तब सांसद रहेंगे, लेकिन उनको पहले हटा दिया गया। उसके लिए पूरी कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूट की गई। श्री खंडूड़ी का केवल इतना अपराध था कि उनकी अध्यक्षता में जो सेना के लोग आए, जिसमें वाइस चीफ भी थे, डिप्टी चीफ भी थे, उन्होंने ये कह दिया कि जो सेना के पास सामग्री है उसका 67% हिस्सा ऐसा है जो केवल कूड़ा है, कूड़ा है, क्योंकि वो कोई 3 साल ऑब्सोलीट हो गया, कोई 2 साल ऑब्सोलीट हो गया। तो अब वो रिपोर्ट पूरी तरीके से मोदी जी के इस दावे पर कि हम सेना का आधुनिकीकरण कर रहे हैं उस पर छोड़ थी। दूसरा, रक्षा समिति ने रक्षा सौदों की क्रोनोलॉजी बना दी। उसके अनुसार अभी तक जितनी सप्लाईज हुई हैं, इंक्लूडिंग कल होने वाली, मतलब जो भविष्य में होगी राफेल आदि की, वो भी सब कांग्रेस के समय में स्टार्ट हुए, कांग्रेस ने की हैं। तो ये दो चीज़ें कि मोदी को स्पेशल कर रहे हैं रक्षा के लिए, इसकी बुनियाद ख़त्म होगी, और इतना विशेष कर रहे हैं कि आप रक्षा सेनाओं के जो है उनको गोला बारूदी जब ऑब्सोलीट रखोगे तो लड़ाई कहाँ से लड़ोगे। उन्होंने तो साफ कह दिया कि 7 दिन लड़ने के लायक नहीं है, कहाँ से चीन से पीएलए से मुकाबला करोगे। उन्होंने कहा भाई तो है ही नहीं। और अब एक चीज़ और स्पष्ट हो गई है कि आपने रक्षा बजट घटा दिया, 27,000 करोड़ से घटा करके अब 21,000 करोड़ ले आए। तो ये जो रक्षा समिति है उसने इनको, इनकी रक्षा नीति को पूरा जो है नंगा कर दिया। तो इन्होंने उसका बदला खंडूड़ी जी से उस कमेटी को ही पूरा रिक करके खंडूड़ी को बाहर किया, सब बंदर कर दिए, बाकी खंडूड़ी बाहर कर दिए। उन्होंने कहा अच्छा अध्यक्ष से दे, इतना नहीं ध्यान रखा हमारा इंटरेस्ट का। रक्षा सलाहकार जो अपने डोभाल जी हैं उनके बेटे की कंपनियों का फर्जीवाड़ा मामला आया सामने, लेकिन कांग्रेस इतने जोर से नहीं उठा पाई मामले को जिसमें विपक्ष का दायित्व बनता है। ठीक है, कंपनी कोई भी बना सकता है, मगर आप एक जिस मॉरल ग्राउंड पर खड़े होने की कोशिश करते हैं वो मॉरल ग्राउंड डिमोलिश होता है। क्योंकि आप कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा कोई वो नहीं हो सकता, और इतने महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोगों का एक पार्टनर जो है पाकिस्तान होता है, दूसरा अरब होता है, अरब नागरिक होता है। तो इसलिए उस सौरिया के कंपनी के उससे इनका जो मॉरल ग्राउंड था भाजपा का, टेक्निकली इज ऑल ओके फाइन, कोई किसी से कर रहा है तो किसी को क्या एतराज हो सकता है, लेकिन आप जब दूसरों के जुए गिनने की कोशिश करते हैं तो फिर आप पर तो खटमलों का जाल बना हुआ है, तो वो लोग उन खटमलों को जरूर सवाल करेंगे। अभी सर पीछे एयर स्ट्राइक हुई थी, उसमें मीडिया ने 250, किसी ने 300, किसी ने 450 अपने अपने दावे किए, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि लोग कितने मारे गए, पाकिस्तान में हम कहाँ तक क्या करें। देखिए मैं एक बात बताऊँ, ये बहस ही पूरी तरीके से निरर्थक। क्रेडिट लेने के चक्कर में मोदी जी ने, अमित शाह जी ने इसको बहस का रूप दे दिया। जब आप बहस करेंगे तो कई पहलू उठेंगे, अपने अपने तरीके से बहस हैं, अपने अपने तर्क निकलेंगे। जो चीज़ राहुल जी ने पहले दिन कही एयर स्ट्राइक के समय में, उन्होंने कहा शाबाश, मैं वायुसेना के बहादुर पायलट्स को सैल्यूट करता हूँ और हम आर्म फोर्सेस के साथ हैं, सरकार के साथ हैं,
आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, उसको बीफिटिंग रिप्लाई दिया गया है, हम उनको बधाई देते हैं। अब जब आपने उसको राजनीतिक आवरण देना शुरू किया, उसका राजनीतिक फायदा बिल्ड करने की कोशिश की, ये कहना शुरू किया कि साहब ये तो पहली बार हो रहा है, अरे 1971 में एयर स्ट्राइक हुई, 1965 में एयर स्ट्राइक हुई, और तो छोड़ो अटल जी के समय में एयर स्ट्राइक हुई, उस समय क्रॉस नहीं किया एलओसी को, लेकिन एयरफोर्स ने सटीक निशाने लगाए मिराज में। तो आप आर्मी के दो या एयरफोर्स के दो सेट कैसे बना सकते हैं? जो मोदी के नेतृत्व में लड़े वो बहादुर, और जो पहले लड़े उनका क्या वो कम बहादुर थे? आपने आप कहते हैं सब ये जितना हुआ हिंदुस्तान में, जिसमें आर्म फोर्सेस की बहादुरी भी है, वो तो तभी हुई जब मोदी आए। अब इस बात को वो पूर्व सैनिक कैसे मान लेगा जिसने बांग्लादेश में 97,000 लोगों से आत्मसमर्पण करवा दिया? वो सैनिक कैसे मानेगा जो इच्छोगिल नहर तक पहुंच गया बंदूकें और राइफलें लेकर के? वो सैनिक कैसे मानेगा जिसने सियाचिन के अंदर चीन और पाकिस्तान दोनों को खदेड़ दिया? तो नरेंद्र मोदी जी ने बहादुरी को मोदीकालीन और गैर मोदीकालीन में, मोदीकालीन बहादुरी है, जो मोदीकालीन नहीं है वो उसका जिक्र मत करो, जो ये नरेटिव बनाया है इसने बहस को उलझा दिया। और ये संख्या कौन लाया? क्या राहुल गांधी लाए? क्या प्रियंका गांधी जी ने कहा? और तो छोड़ो हमारे किसी और भाई ने भी नहीं कहा जो बहुधा ऐसी बातें कह बयान दे देते हैं। सबसे पहले इनके एक मुख्यमंत्री ने कहा, उसने 450 की संख्या बताई, फिर इनके कुछ प्रवक्तागणों ने 400 बताई, फिर इनके एक मंत्री ने कहा कि मरा तो एक नहीं लेकिन अंदर घुस के एयर स्ट्राइक हुई अहलूवालिया ने, फिर एज ए कंप्रोमाइजिंग फिगर अमित शाह जी ने सबकी तरफ से कहा कि 250 है। अब जब अमित शाह ने गिन दिए 250 तो फिर यार नेचुरली जो है जो लोग हैं अब मन कुलबुलाता है सबका, लोगों ने पूछ लिया कि भाई साहब ये फिगर आई कहाँ से आपके पास, कहाँ आप गिनाए थे है? तो ये संख्या का तर्क कुतर्क सारा जो है भाजपा ने पैदा किया और जानबूझ करके पैदा किया ताकि इसकी आड़ में अपने विरोधियों को, अपने को राष्ट्रभक्त और दूसरों को राष्ट्र विरोधी सिद्ध कर सके। कश्मीर मुद्दे पर कांग्रेस का स्टैंड, कश्मीर मुद्दे, देखिए कश्मीर में आपको टिट फॉर टैट, आप पाकिस्तान के साथ आपको दृढ़ता से, हम दृढ़ता के हामी हैं, मगर साथ साथ हम अंदर के टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए अपने लोगों से संवाद के भी हामी हैं। डायलॉग, आखिर हर विवाद का हल निकलेगा तो बातचीत से? आप अनिश्चितकाल तक ऐसे युद्ध में आर्मी को नहीं डाल सकते, आर्मी देश की तरफ से लड़ रही है वहाँ, हम उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन अब अनिश्चित काल तक आर्मी के सहारे इसको नहीं खेल सकते, आपको समाधान राजनीतिक वार्ता से ही निकालना पड़ेगा। मोदी सरकार की गलती ये है कि ये या तो बिरयानी खाने जाते हैं या फिर पाकिस्तान से बिल्कुल वार्ता नहीं और जो है और कश्मीर में कोई डायलॉग नहीं, सब चीज़ों को आप बंद कर देते हैं। तो इसलिए हमारी नीति हमेशा स्पष्ट रही, इसी कारण है कि जब जब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, चाहे 1990 में बीपी सिंह की गवर्नमेंट आई हो,
चाहे अटल जी की गवर्नमेंट आई हो, चाहे आज नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई हो, कश्मीर की आंतरिक स्थिति बिगड़ी है और हमने उसको कंट्रोल में लाए हैं। हमने नरसिम्हा राव जी के समय में पंजाब के साथ कश्मीर में भी टेररिज्म की कमर तोड़ दी थी, करीब करीब तोड़ दी थी। MS गिल हमारे वो थे। और 2014 में जिस समय हम गवर्नमेंट से हटे हैं, तो एक शांत कश्मीर जो चुनाव में पार्टिसिपेट करा, डेवलपमेंट करा, पर्यटन चालू हो गया, इन्हें गिने जो है पाकिस्तानी टेररिस्ट आकर के आतंक मचाते थे, कुछ मारे जाते थे, कुछ भाग जाते थे। अब आज होम ग्रोन टेररिज्म है। आज पहली बार एक भारतीय आत्मघाती बना है, तो भारतीय नागरिक, वो देशद्रोही है मगर है तो भारतीय देशद्रोही। तो इन चीज़ों पर मोदी कहते हैं, यदि भाजपा कहती है यदि बहस इस पर होगी तो देशद्रोही है। यदि कोई सभ्य नागरिक, सुशिक्षित नागरिक ये कह दे कि पुलवामा में 300 केजी RDX कैसे आया, पाकिस्तान से कैसे आया 300 केजी RDX? 300 केजी के लिए तो ऊंट खच्चर कुछ लगाना पड़ा होगा ना, कैसे आया? कैसे सबसे सेफ सिक्योरिटी जोन वाली नेशनल हाईवे में एक कार इंटरसेप्टर कार बन करके कैसे घुस गई और कैसे विस्फोट करा दिया इतने लंबे स्ट्रेच में, जितनी लंबाई तक रही, और इतना बड़ा प्लानिंग और इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया? और इंटेलिजेंस फेलियर हम नहीं कह रहे हैं, वहाँ के गवर्नर ने कहा है कि हमारा फेलियर है करके। मगर जब ये सवाल उठाए जा रहे हैं तो आप खड़े से पुलवामा के शहीदों के पीछे खड़े हो जा रहे हो, जबकि पुलवामा के शहीदों का बलिदान भी इस सवाल का जवाब मांग रहा है कि भाई ये कैसे हुआ? इतने लंबे उसमें आप इतनी गाड़ियों को कारवां के रूप में लेकर के गए, चलो वो भी ठीक मान लिया आपने, कैसे RDX आ गया, कैसे गाड़ी इतने उसमें किसी ने उसको चेक ही नहीं किया? वो टारगेट करके जो है बुलेट प्रूफ और नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ियों को गिन करके तब घुसी है, सिंगल मैन ड्राइव भी कर रहा और गिन भी रहा है, नोबडी नोटिस्ड। तो इससे बड़ा इंटेलिजेंस, ये बड़ा भारी इंटेलिजेंस फेलियर था, मगर वो पुलवामा के शहीदों के पीछे खड़े। तो आपकी नज़र में क्या है, कहीं ये शहादत के पीछे राजनीति तो नहीं है? देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई भी सरकार, क्योंकि चुनी हुई तो हमारी है, वो इतनी घटिया सोच और घटिया काम कर सकती। इसलिए मैं इस तरीके की शंका को मैं आधारहीन मानता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि जितने राष्ट्र के लिए चिंतित हम हैं, आप हैं, उतनी ही हमारी सरकार भी है, बल्कि हो सकता है कुछ ज़्यादा चिंतित हो और होना चाहिए। तो इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, जब पहले ही कह सकती थी सरकार के बस यही इस देश के सब राष्ट्रभक्तों के सामने सवाल होना चाहिए कि ऐसी बड़ी चूक कैसे हुई। मगर दिक्कत ये हो रही है, चूक का सवाल उठाने वालों से और चूक के लिए सावधान करने वालों के ऊपर फिदायिनी हमला हो जा रहा है। सैकड़ों एंकर, सैकड़ों ढोलची ढोकरची सब कूद पड़ रहे हैं और सोशल मीडिया की ब्रिगेड कूद पड़ रही है। उस बेचारे का शाम तक चेहरा ही पहचानने में नहीं आ रहा है, उसको जो है उसको गैर राष्ट्रभक्त घोषित कर दे रहे हैं। एडमिरल रामदास पर सवाल उठा दिए, कभी औरों पर सवाल उठा दिए, लेकिन हर विवेकशील आदमी ने कहा कि आप आर्मी की शहादत को भाजपाई शहादत, कांग्रेसी शहादत नहीं बता सकते। वो सैनिकों की शहादत है, वो भारतीय शहादत, भारतीयों की, भारत के लिए है, भारतीय लोगों की शहादत है। ये किसी राजनीतिक दल का प्रदर्शन नहीं है, ये भारत की आर्म्ड फोर्सेस का प्रदर्शन है। तो हमारा ऐतराज यही है
कि आप अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए आर्मी की राजनीतिक ढाल क्यों ले रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? नहीं, एक तरफ तो जब एयर स्ट्राइक होता है तो मोदी जी की तारीफ की जाती है, मीडिया द्वारा मोदी जी को महामंडित किया जाता है, तो दूसरी तरफ सेना को, वायु सेना को क्यों नहीं श्रेय देते हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या राजनीति है? देखिए, मोदी जी को भी प्रधानमंत्री हैं, ऑटोमेटिकली उनका श्रेय उन तक जाएगा। भाजपा शासन में है, उनका श्रेय भी इतिहास में उनके नाम पर जाएगा। और सेना की बहादुरी का, वायुसेना की बहादुरी का भी एक इतिहास खड़ा हो गया, खड़ा होगा, उसमें जिक्र होगा। मगर ये भी जिक्र होगा कि ये देश के अंदर पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सेना की, आर्म फोर्सेस की सादत का राजनीतिक कवच बना करके अपने लिए, अपने विरोधियों को निशस्त्र करने की कोशिश की है। नहीं, जो उसका उनका कहना है, बीजेपी का जो लॉजिक है सर, वो ये लॉजिक है उनका कि हमने जो है तत्काल राजनीतिक इच्छा शक्ति जो दिखाई मजबूत, मतलब सर ये जो एयर स्ट्राइक ऐसे मतलब तभी संभव हुआ जब केंद्र में मजबूत प्रधानमंत्री थे। मतलब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब 1965 में केवल राइफल लेकर के हिंदुस्तानी फौज लाहौर के दरवाजे पर पहुंच गई छुगिल तक, क्या उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी? वो इच्छा शक्ति का प्रतीक नहीं है क्या? हमारी सेना के लोगों ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करवा दिए, दुनिया के इतिहास में जो से ग्रैंड अलायंस की फोर्सेस को नहीं मिल सका, जितने नाजियों से हथियार नहीं रखवाए जा सके, हमने 97,000 लोगों से, सेना से जनरल सहित हथियार आत्मसमर्पण करवा दिया है? क्या वो याद करने काबिल नहीं है वो चैप्टर? क्या एयर मार्शल अर्जुन सिंह या जनरल कैरियप्पा की बहादुरी किसी भी रूप में बिपिन रावत जी से या दूसरों से कम हो सकती है क्या? क्यों उसको कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो? सियाचिन के अंदर चीन और पाकिस्तान दोनों के जबड़े से इंदिरा गांधी के निर्देश पर हमारी सेना के लोगों ने सियाचिन को निकाला और तिरंगा फहरा दिया, तो क्या ये बहादुरी नहीं है? ने लद्दाख एरिया में चीन के फौजों को हमारे लोगों ने निशस्त कर दिया, क्या ये बहादुरी नहीं है? नहीं, कहीं मतलब ऐसा तो नहीं। और एक चीज़ और है चमोली जी, इससे पहले भी एयर स्ट्राइक मतलब वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई है, मगर अब पॉलिसीज हैं अलग अलग गवर्नमेंट की, उस समय की गवर्नमेंट ने अंतर्राष्ट्रीय कारणों से इन चीज़ों की पब्लिसिटी नहीं की। आप बहादुर हैं, आपने पब्लिसिटी कर दी, और इसीलिए बिपिन रावत जी को भी कहना पड़ा कि इस बार हमने जो है सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए नहीं की क्योंकि पाकिस्तान ग्राउंड सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार था, और अगली बार हमारे एयरफोर्स वालों को कहना पड़ेगा कि हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक को काउंटर करने के लिए तैयार था। तो आपने, ये आपकी पॉलिसी थी, आपने उसका प्रोपोगंडा किया। पहले की गवर्नमेंट्स का पॉलिसी नहीं थी, उन्हें प्रोपोगंडा नहीं किया। जनरल बडोला हैं हमारे, उनका लेख हिंदुस्तान में छपा था, आप देखिएगा ज़रा, पिछले दिनों के हिंदुस्तान को खंगाली, मेरी समझे एक डेढ़ महीने के पहले के हिंदुस्तान में, उन्होंने कहा कि इस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हम तो 5 सर काट करके लाए पाकिस्तानी सैनिकों के। मगर उस समय की गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को डाउन प्ले करती थी। आज मोदी जी जो है बहादुर हैं, 56 इंच की छाती वाले हैं, इसलिए 56 बार छाती पीट पीट के कहते हैं हमने कर दिया। अंतर इतना है, हमारा प्रधानमंत्री बोलता कम था, काम करता था।
डिसीजन के बावजूद ना, जैसे नोटबंदी है या तमाम जो डिसीजन है उसके बावजूद इतना बड़ा यूपी में असेंबली में इतना बड़ा उनको जनमत मिला उसके बाद, मतलब कि मतलब लोग क्या चाहते, लोगों को ये लगता है कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी के बाद कोई क्या कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है आवाम को कि कोई बोल्ड डिसीजन लेने वाला नेता कोई है? देखिए इंदिरा गांधी जी, हो सकता है आवाम को ये लग रहा है, इंदिरा गांधी जी ने बोल्ड डिसीजन लिया कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को बचाने के लिए, दूसरी चीज़ इमरजेंसी लागू की, लेकिन देश ने पनिश किया उनको, नहीं तो 1970 वॉर की अभी तक दुनिया में अनपैरेलल हीरो है। वही वो मैं कह रहा हूँ अनपैरेलल है, लेकिन वो हाँ चल वो अनपैरेलल हीरो भी जो है उनको भी लोगों ने दंडित किया। मोदी जी भी अपनी अपनी भूलों के लिए दंडित होंगे, क्योंकि जिस समय नोटबंदी की उस समय उन्होंने यह आभास दिया गरीबों को, ये कहा कि मैंने ये अमीरों को मार दिया है, पैसे वालों को मार दिया, अब तो तुम्हारी पौबारा है। अब वो पौबारा हुई नहीं, अब गरीबों की जो है, गरीबों के ऊपर 400 रुपये का सिलेंडर 1000 रुपये का थोप दिया, 25 रुपये किलो की चने की दाल 55 रुपये किलो कर दी, तो अमीर इसलिए उस समय फ़ायदा उठा लिया उन्होंने यूपी और उत्तराखंड ये चुनाव में, उसका फ़ायदा मिला, लेकिन अब